अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, साजिदा के किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे शाही टुकड़ा। इसके लिए मैंने दूध गर्म रखी हूँ, उसके लिए हम रबड़ी बनाएंगे। पहले तो मैंने 1 लीटर दूध ली हूँ, उसको अभी मैंने गर्म होने के लिए रखी हूँ। जैसे जैसे इसमें उबाल आएगा, जैसे ये घट होएगा, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। इसको स्लो गैस पर ही रखेंगे हम, तो अच्छे से इसमें उबाल आके मलाई आके उसकी रबड़ी बनेगी। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा दूध अच्छा गाढ़ा हो गया है। तो भी मैं अभी इसके अंदर 1 कटोरी मिल्क पाउडर डालूँगी। इसको हम डाल लेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे पहले। अच्छा घट हो जाएगा इससे, और फिर इसके अंदर हम फूड कलर डालेंगे, केसर फूड कलर डालेंगे। 1-2 बूंद जितना ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे इसके अंदर हम। इसके अंदर हम 1/2 चम्मच से भी कम फूड कलर डालेंगे, केसर फूड कलर डालेंगे। थोड़ा इलायची पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच जितना इलायची पाउडर डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करके एक उबाल आने तक पका देंगे। इसको हम बंद कर देंगे इसका गैस। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने शाही टुकड़े के लिए एक टोप में पानी चढ़ा दी हूँ चाशनी के लिए। अब इसके अंदर मैं 2 कप शुगर डालूँगी। 2 कप भर के हम शुगर डालेंगे। अपने को इसमें 1 तार 2 तार नहीं चाहिए, सिर्फ अपने को इसको शुगर पकाने तक इसको चाशनी उसका 1-2 उबाल आने देने का है। जब तक शुगर पिघल जाएगी तब तक हम इसको पकाएंगे। देन इसके बाद इसका गैस बंद कर देंगे। देन अभी हम फिर उसके बाद चाशनी रेडी होती है तब मिलते हैं आपसे। देखो फ्रेंड्स, हमारी चाशनी रेडी हो गई है। अभी इसको हम थोड़ा ठंडा होने के लिए रखते और तब तक हम ब्रेड फ्राई कर लेते हैं। तो मैं ब्रेड फ्राई करने के टाइम पे आपसे मिलती। देखो फ्रेंड्स, मैंने ये ब्रेड के लिए ऑयल चढ़ा दी हूँ जो अभी गर्म हो गया है। अब इसमें हम ब्रेड फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके फिर इसको हम निकाल लेंगे। आप चाहो तो आप घी में भी कर सकते हो, मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ इसको। ये शाही टुकड़े के लिए हम ब्रेड फ्राई कर रहे हैं। इसको अच्छा गोल्डन ब्राउन होने देने का, उसके बाद हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, ऐसा गोल्डन ब्राउन कर लेने का अपने को ब्रेड। इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में अलग से। ऐसे ही मैं सारे कर लूँगी, उसके बाद फिर चाशनी में डिप करने के टाइम पे आपसे मिलते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये हमारी चाशनी, मैंने इसको फिर से थोड़ा गर्म कर ली हूँ। अभी इसके अंदर हम ये ब्रेड डिप करेंगे और फिर इसको हम निकाल के इस बाउल में डालेंगे। तो थोड़ा ऐसा डिप करेंगे हम, ज़्यादा नहीं डिप करना है हमको, थोड़ा थोड़ा ही करके हम इसको निकाल लेंगे। फिर हम सारे इसको निकाल लेंगे ऐसे डिप करके। देखो फ्रेंड्स, ये मैंने जो रबड़ी बना ली थी ना, उसको मैंने अच्छा ठंडा कर ली थी फ्रीज में रख के, अच्छा चील्ड हो गया है। अभी मैं इसके अंदर इसको पोर करूँगी। इसको ऐसे सारे ब्रेड पे हम डालते जाएंगे इसको अच्छे से। ये ड्राई फ्रूट डालेंगे जिसको मैंने बारीक क्रश करके रख दिया है, वो डालेंगे इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा। तो देखो फ्रेंड्स, ये हमारा शाही टुकड़ा रेडी हो गया है। इसे
शाही टुकड़ा रेडी है। आप भी अपने घर पे बनाइए, अपने अपनों को खिलाइए। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और दुआ में ज़रूर से याद रखिए। Let me up with a bright smile on now. Meet me in the door, so won't get lost now.